हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। विशेष शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सूचना आई हुई है कि पे रोल के द्वारा जो अटेंडेंस को फिल करना है, उसको फिल करने से पहले क्या करना होगा, आपको अपने स्टाफ के बारे में डिटेल चेक करना होगा। क्या स्टाफ की सभी संख्या पूरी आ रही है इसमें या नहीं आ रही है, तो उसको किस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे, उसका पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है, उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसमें लिखा है, सभी प्रधानाध्यापक अपनी मानव संपदा आईडी में पे रोल में जाकर फिर उसमें बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करें, फिर उसमें फिल अटेंडेंस में जाकर अपने विद्यालय के पूरे स्टाफ के नाम एवं विवरण चेक कर लें। यदि कोई परिवर्तन हो, तो इसमें लिखा हुआ है परिवर्तन हो तो उसमें कॉन्टेक्ट नंबर, मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर है चूँकि इसको, तो ये यहाँ पे नंबर दे दिया गया है और नाम बता दिया कि ये इनमें सुधार करेंगे। इसमें डेट हमारे यहाँ जो रखी गई है हमारे जनपद में, वो 22 सितंबर तक करवाना है इसमें सुधार, और इसके लिए 2 दिन दिए गए हैं। तो सभी प्रधानाध्यापक को ये प्रेषित की गई है सूचना। अब शुरू करते हैं। इन्होंने एक जो स्क्रीनशॉट भी इसमें डाला हुआ है, वो स्क्रीनशॉट क्या है उसको देखते हैं। तो स्क्रीनशॉट जो है वो इस प्रकार से, मानव संपदा पर जाने के बाद में आपको इस प्रकार से पेरोल मैनेजमेंट मिलेगा, और पेरोल मैनेजमेंट के अंतर्गत 2 पॉइंट्स मिलेंगे, सैलरी सेप और अटेंडेंस। तो यहाँ से आपको क्या करना होगा, अटेंडेंस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद में अटेंडेंस पर जब आप क्लिक करेंगे तो उसके बाद में इस प्रकार से यहाँ पर खुलेगा और फिल अटेंडेंस यहाँ पर लिख के आ जाएगा। तो ये जो फिल अटेंडेंस आएगा, फिर इसको आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने आपके जो स्टाफ में जितने भी सदस्य हैं, जितने भी टीचर्स हैं, आपका स्टाफ जो भी है वो इसमें आ जाएगा। उनके सभी के नाम होंगे, उनका पद लिखा हुआ होगा, उनके फादर्स नेम होंगे, उनकी आईडी होगी, और उसके बाद में पीछे एड और एडिट अटेंडेंस, ये सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप इनको डिटेल को सब कुछ चेक कर लें, और यदि कोई सुधार है तो उसमें करवा लें। अब इसको आप किस प्रकार से मानव संपदा में जाकर के चेक करेंगे, तो इसको हम इस वीडियो में अब आपको लाइव बताएंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम इसमें क्या करते हैं, अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर इसके सर्च बार में जो आपको ये शो हो रहा है, ये सर्च बार में हम मानव संपदा लिख करके सर्च करेंगे, और इसमें जैसे ही मानव संपदा लिखने के बाद में हम सर्च करते हैं, तो मानव संपदा का होम पेज मेरे सामने ओपन होके आएगा। उसमें ये जो मानव संपदा संबंधित जो भी वेबसाइट है वो सभी इसमें शो हो रही होगी। लेकिन उसमें क्या करना है, हमको ऊपर वाली जो ये लिंक है इस पर क्लिक करके अंदर जाना है, और जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे इस प्रकार का आपको एक इंटरफेस मिलेगा, और इस इंटरफेस में आपको जो ऊपर ये लिखा हुआ है EHRMS लॉगिन, इसको क्लिक करेंगे, और इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ये एंट्री फिल करनी होगी। इस एंट्री को फिल करने के लिए सबसे पहले ऊपर यूजर डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे बेसिक एजुकेशन है उसको सिलेक्ट कर ले दें, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी यानी EHRMS कोड, जो मानव संपदा आईडी है उसको डालेंगे, और उसका पासवर्ड डालेंगे, तथा ये कैप्चा टेक्स्ट जो है उसको यहाँ पर फिल कर देंगे। ये सब फिल करने के बाद में यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करते हैं, और लॉगिन करने के बाद में हम लोग अंदर पहुँचते हैं मेन पेज पर, और अपना ये फिल करने के बाद में हम आपको मेन पेज पर मिलते हैं। तो ये इस प्रकार का एक इंटरफेस आपके सामने आएगा लॉगिन होने के बाद में। तो यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इस ये जो हमने क्रोम ब्राउज़र है उसको डेस्कटॉप साइट के मोड में कर लिया है, इसलिए आपको इस प्रकार का दिख रहा है। यदि आप डेस्कटॉप साइट में नहीं कर पाए हैं तो इसमें हो सकता है थोड़ा अलग तरीके से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग पे रोल में चले जाएंगे, जो आपको ये रेड सर्कल के अंदर दिख रहा है पे रोल, इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पे रोल को क्लिक करेंगे, 2 ऑप्शन उसमें खुलेंगे, बेसिक एजुकेशन और सैलरी स्लिप। यहाँ से आपको बेसिक एजुकेशन को क्लिक करना है, और जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया इंटरफेस आएगा, और इस नए इंटरफेस में क्या आपको मिलेगा, ये 2 पॉइंट मिलेंगे, एक तो सैलरी स्लिप का, एक अटेंडेंस का। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अटेंडेंस को क्लियर करना है, क्लिक करना है। अटेंडेंस को जैसे ही आप क्लिक करेंगे फिर आपको एक नया पेज मिलेगा, और इस नए पेज में देखना होगा क्या पॉइंट्स मिलेंगे, ये 2 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। और ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से, एक फिल अटेंडेंस होगा,
अब यहाँ पे हम जो फिल अटेंडेंस है उस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही फिल अटेंडेंस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको फिर से एक नया पेज मिलेगा, और इस नए पेज में देखेंगे अब यहाँ पे जो भी आपके स्टाफ में टीचर्स हैं उनकी यहाँ पे लिस्ट आपको मिल जाएगी। ये सभी टीचर्स हमारे स्टाफ के जो हैं वो सभी चार लोग, तो ये इस प्रकार से मिलेंगे। यदि आपके इस स्टाफ में कोई नाम मिस्टेक है या कोई अन्य प्रॉब्लम है, आईडी संपदा आईडी गलत पड़ी हुई है या कोई स्टाफ में मेंबर इसमें जुड़ा नहीं है, तो आप कॉन्टेक्ट करके उसको इसमें तो इस प्रकार से ये आप देख सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पे हमारे यहाँ एक जो है शिक्षा मित्र उनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट करेंगे उन्हें, अपने उनकी मानव संपदा आईडी उनका नाम और स्कूल का नाम दे देंगे तो वो वहाँ से इनको ऐड कर देंगे। और जब ऐड हो जाएंगे तो हम श्योर हो लेंगे कि हमारे सभी के नाम इसमें आ गए हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको, ये पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबा लें जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। और यदि कोई भी किसी प्रकार की इसमें देखने में समस्या आपको आ रही है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, जहां से आपके कमेंट का जवाब देने की हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे। अब इसके बाद में आगे भी वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये जो अगला वीडियो है इसी से रिलेटेड बनाएंगे। जब आपको यहाँ पर एड और एडेड अटेंडेंस की बात यानी कि भरने के लिए आदेश आएगा तब, तो उसमें आपको क्या करना होगा, यहाँ पे किसी की अटेंडेंस को ऐड करना है या उसको एडिट करना है, किसी की छुट्टी लगानी है, तो इस प्रकार से देखते हैं ये वीडियो आपका पूरा हुआ। हेलो एवरीवन, चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित समस्त जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सूचना आई हुई है कि पे रोल के द्वारा जो अटेंडेंस को फिल करना है उसको फिल करने से पहले क्या करना होगा, आपको अपने स्टाफ के बारे में डिटेल चेक करना होगा, क्या स्टाफ की सभी संख्या पूरी आ रही है इसमें या नहीं आ रही है। तो उसको किस प्रकार से हम लोग चेक करेंगे उसका पूरा डिटेल इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लिखा गया है वो क्या लिखा गया है उसको हम यहाँ से देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये इसमें लिखा है, सभी प्रधानाध्यापक अपनी मानव संपदा आईडी में पे रोल में जाकर फिर उसमें बेसिक एजुकेशन सेलेक्ट करें, फिर उसमें फिल अटेंडेंस में जाकर अपने विद्यालय के पूरे स्टाफ के नाम एवं विवरण चेक कर लें, यदि कोई परिवर्तन हो तो अमित प्रकाश जी, मतलब ये जो